माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कितने तरह से उसका वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कितने तरह से उसको हम लोग वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। आज मेरा टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डाटा को इनपुट करता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है, मीनिंगफुल डाटा में उसको बदल देता है। यह तीन स्टेप में कार्य करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीन तरह से यह कार्य करता है, ठीक है। अब यह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका वर्गीकरण कई तरह से किया गया है, जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, उसके अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी डेटा को किस प्रकार से लेता है, इसके तरीके से किया गया है। तीसरा क्या है, बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर हम लोग कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्या है, पर्पज ऑन, बेस्ड ऑन पर्पज, कंप्यूटर के मतलब उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पहला दिया है जनरल पर्पज, जनरल पर्पज जैसे कोई स्टूडेंट है या विद्यार्थी है या कोई बिजनेस है, वहाँ पर अगर कंप्यूटर लगा हुआ है, वह आदमी अगर कंप्यूटर अपना यूज कर रहा है तो वह क्या किस प्रकार का कंप्यूटर यूज करेगा, जनरल पर्पज कंप्यूटर यूज करेगा, मतलब कि जनरली जो यूज होता है, स्टूडेंट या कोई संस्था कर रही है या किसी स्कूल में है या किसी दुकान पर है या किसी कंपनी में, तो उसका जनरल जो पर्पज जो उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं उसको जनरल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, जिसका जो डाटा को इनपुट कराता है, ऑनलाइन वर्क करता है, इसके बाद आउटपुट करता है, ठीक है, प्रिंट आउट वगैरह भी इसके द्वारा हम प्रिंटर से करते हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज का उद्देश्य क्या है, जो विशेष पर्पज के लिए अगर कोई कंप्यूटर बनाया गया हो, ठीक है, जैसे मिसाइल की गाइडलाइन, मिसाइल में गाइडलाइन के लिए हमने एक स्पेशल पर्पज से उसमें कंप्यूटर डिजाइन किया है। एयरक्राफ्ट कंट्रोल, एयरक्राफ्ट के कैसे कंट्रोलिंग करेंगे इसके बारे में हम लोग एक कंप्यूटर बनाते हैं, जिसका और कार्य नहीं है, वह दूसरा कोई कार्य नहीं करेगा, वह प्रिंट आउट स्कैन ये सब नहीं करेगा, उसका जो स्पेसिफिक कार्य है वही करता है, ठीक है। और बहुत सारा जैसे स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट को कैसे हम लोग लॉन्च करते हैं उसके बारे में सारा प्रोसेस वह कंप्यूटर करता है, वह स्पेशल कार्य के द्वारा वह कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद और किसी एजेंसी के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है, जो रिसर्च में काम करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च में इसका यूज करते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग के द्वारा यदि हम लोग ज़मीन के नीचे की चीज़ों को देखना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर, उस तरह के कंप्यूटर वह केवल वही कार्य करेंगे और दूसरे कार्य नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर का प्रकार है उद्देश्य के आधार पर, तो हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए, सबसे पहले हमारा क्या हो, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उद्देश्य क्या है, हमारा जनरल उद्देश्य, यदि जनरल उद्देश्य जैसे कोई स्टूडेंट है या व्यापारी है इस तरह का जो कार्य करना चाह रहा है उस तरह का यूज करेगा। इसके बाद स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज क्या है, ठीक है, स्पेशल पर्पज में जैसे मिसाइल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसका गाइडलाइन फिक्स कर दिया गया है, एयरक्राफ्ट के डिजाइन का कार्य है उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग का कार्य, एयरक्राफ्ट को कंट्रोलिंग का कार्य कर सकते हैं, रिसर्च में इसका यूज किया जा सकता है, स्पेस क्राफ्ट में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद और किसी इंजीनियरिंग कार्य में अगर इसका यूज कर रहे हैं तब हम उसको कंप्यूटर को क्या कहेंगे, स्पेशल पर्पज। इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग की कैपेसिटी को देखना या उसको चेक करना या पुल को चेक करना, ये सब स्पेशल कार्य के लिए बनाए गए कंप्यूटर होते हैं, वह उनका वही कार्य है, बस स्पेशल कार्य करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे तरह से, बेस्ड ऑन डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कंप्यूटर में डेटा किस तरह से लेता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन के आधार पर डेटा किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, इसके आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला है एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड।
अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर जो डाटा को काउंट कर सकता है, सॉरी डाटा को गिन सकता है, काउंट नहीं कर सकता है, डाटा को माप सकता है, सॉरी डाटा को, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को माप सकता है, गिन नहीं सकता है। जैसे स्पीडोमीटर हुआ, या डाटा को क्या कर सकता है, माप सकता है, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकता है। थर्मामीटर जो HG के द्वारा थर्मामीटर यूज किया जाता है, वह डाटा को क्या कर सकता है, माप सकता है, लेकिन काउंट नहीं कर सकता है। पेट्रोल डीजल को, पेट्रोल को माप सकता है, पेट्रोल पंप डीजल पेट्रोल को माप सकता है, लेकिन काउंट नहीं कर सकता है। जहाँ पर मापने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर, जहाँ पर गिनने वाली चीज़ नहीं है उसको हम लोग वहाँ पर किस तरह का उपयोग करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर। या एनालॉग कंप्यूटर किसी भी डेटा को क्या कर सकता है, माप सकता है, गिन नहीं सकता है, ठीक है, कितना केजी है, कितना यह है, ये सब माप सकता है लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, स्पीडोमीटर स्पीड हम लोग माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, टेम्परेचर हम लोग माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। स्पीडोमीटर के लिए स्पीड के लिए स्पीडोमीटर, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर, और पेट्रोल पंप का जो भी प्रोसेस है वो भी डाटा को क्या कर सकता है, माप सकता है लेकिन गिन नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा, डिजिटल कंप्यूटर जो आज हम लोग यूज करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर यह किसी भी डेटा को जीरो और वन के फॉर्म में देता है, जीरो और वन के फॉर्म में, जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन, किसी भी डेटा को जीरो और वन के फॉर्म में लेता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यह किसी भी डेटा को क्या कर सकता है, माप नहीं सकता है, काउंट कर सकता है, किसी भी डेटा को माप नहीं सकता है, काउंट कर सकता है। जैसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर आज देख रहे हैं, और बहुत सारे डिवाइस डिजिटल हो गई हैं, सारे डिवाइस डिजिटल का में डिजिटल का प्रयोग किया जा रहा है, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, आज का आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है जो किसी भी डेटा को काउंट कर सकता है लेकिन माप नहीं सकता है, ठीक है। अगर हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जानेंगे तो यह दोनों कार्य कर सकता है, या एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का कार्य करता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करता है। जैसे हम ICU में प्रयोग करते हैं, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट में जब हम लोग ऐसे कंप्यूटर का लगाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर जो डेटा को माप भी सकता है और गिन भी सकता है, ठीक है, जैसे हार्ट बीट माप सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको गिन सकता है, ठीक है, ब्लड शुगर है, बहुत सारे डिवाइस, अलग अलग डिवाइस जो है उसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। ICU में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे डिवाइस होते हैं जो किसी कोई डिवाइस डाटा को मापता है, कोई काउंट करता है, तो ICU एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर है। ICU क्या करता है, डेटा को काउंट भी कर सकता है और गिन भी सकता है, ठीक है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग डेटा को माप सकता है, गिन नहीं सकता है, डिजिटल जीरो और वन के फॉर्म में डेटा को लेता है, जीरो और वन को ऑन और ऑफ कहा जाता है, ऑन और ऑफ के कम्बिनेशन से बिट का निर्माण होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है डेटा को काउंट कर सकता है, ठीक है। आज के आधुनिक कंप्यूटर जितने भी सारे कंप्यूटर हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कहाँ पर होता है, जब जो ऐसा कंप्यूटर जो डेटा को माप भी सके और गिन भी सके उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रकार है बेस्ड ऑन साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। साइज मतलब आकार के आधार पर सबसे बड़ा है, सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर, इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर, या बहुत बड़ा कंप्यूटर है, बहुत तेज कार्य करता है, इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट डिजाइन वगैरह में या स्पेस के में किया जाता है, वह बहुत तेज़ी से कार्य करता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड 10^-12 यानी 1 सेकेंड में 1 पिको सेकेंड यह कार्य करता है, डेटा को लेता है 1 सेकेंड में, इतने से 1 सेकेंड में 10^-12 यानी इसकी स्पीड क्या होती है, 10^-12 होती है, ठीक है। यह बहुत सारे डाटा को 1 सेकेंड में ले सकता है, ठीक है, एक सेकेंड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को ले सकता है।
ठीक है। इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट की डिजाइन या बहुत बड़े बड़े कार्य, इसको किसी देश की सरकार रख सकती है या कोई बहुत बड़ी कंपनी ही इसको रख सकती है। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर क्रे रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया, क्रे वन, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर क्रे रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया क्रे वन, और भारत का पहला सबसे पहला कंप्यूटर परम 10000 सीडेक कंपनी द्वारा, सीडेक संस्था द्वारा, कंपनी नहीं है, सीडेक क्या है, संस्था है, सीडेक संस्था के द्वारा, सीडेक संस्था के द्वारा बनाया गया यह परम 10000। भारत का पहला कौन सा है, परम 10000, जो किसको किसने बनाया, सीडेक, और विश्व का सबसे पहला क्या है, क्रे वन, जो क्रे रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या करता है, बहुत स्पीडली कार्य करता है, किसी बहुत ज़्यादा डाटा को लेने के लिए तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसी देश की सरकार ही इसका यूज कर सकती है। ठीक है, स्पेस साइंस में इसका प्रयोग किया जाता है, रिसर्च में किया जाता है, या और बहुत सारे इंजीनियरिंग वर्क में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, साइज में सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसकी स्पीड भी क्या होती है, बहुत जड़ी होती है, और इसकी मेमोरी भी स्टोर करने की क्षमता भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर ये है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटे होते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटे होते हैं और मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर से छोटे होने का मतलब कि इसकी स्पीड हो जाएगी 10^-9 यानी नैनो सेकेंड, किसी भी इंस्ट्रक्शन को नैनो सेकेंड मिलेगा, और सुपर कंप्यूटर किसी भी इंस्ट्रक्शन को पीको सेकेंड में लेता है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, ये सुपर कंप्यूटर से इसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है, लेकिन यह बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, यह बल्क में डाटा रखता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बल्क में डाटा को रख सकता है, बहुत बड़े अमाउंट में डाटा को रख सकता है। ठीक है, और जो सुपर कंप्यूटर बना IBM 438 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 438, सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर है IBM, इसका एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर का IBM 438। ठीक है, यह सुपर कंप्यूटर से थोड़ा ही मतलब कि इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन यह बल्क मात्रा में डाटा को लेता है, बहुत ज़्यादा मात्रा को में डाटा को ले सकता है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग कार्य करता है, मल्टी यूजर कार्य करता है, या ठीक है एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर का क्या होता है साइज, देखिए हम लोग साइज के आधार पर बता रहे हैं, साइज मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इसमें 100 लोग यूजर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड भी क्या होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा कम होती है, स्टोरेज क्षमता भी कम होती जाती है, यहाँ से धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कंप्यूटर की स्पीड स्लो होती जाएगी, स्टोरेज कैपेसिटी भी स्लो होती जाएगी, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक, और साइज भी छोटी होती जाएगी। ठीक है, अब हम ऐसा कंप्यूटर पढ़ेंगे, माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारे मेज पर आ जाए, जो हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, या छोटा कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर है, इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, इसमें डेस्कटॉप है, लैपटॉप, पॉनटॉप, टैबलेट और PDA। ठीक है, डेस्कटॉप क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जो हमारे डेस्क पर रखा जा सके, हम उस पर कार्य कर सकें, यह इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, लैपटॉप ऐसा कंप्यूटर जो एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, हम लोग पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग उसको ले जा सकते हैं। पॉनटॉप क्या है, पॉनटॉप का मतलब होता है जो हमारे हाथ में आ सके, जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल भी एक तरह से क्या है, कंप्यूटर की तरह ही कार्य कर रहा है, मोबाइल भी क्या है, एक तरह से हमारा कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स में पाए जाते हैं, इसको पॉनटॉप कहते हैं, यानी पॉनटॉप को मोबाइल कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद टैबलेट है,
टैबलेट और लैपटॉप पे क्या अंतर है? टैबलेट में कीपैड नहीं पाया जाता है, बिना कीपैड का अगर कोई डिवाइस पाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? टैबलेट। इसके बाद लास्ट में क्या है? पीडीए। पीडीए क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी एक डायरी होती है जिसमें हम लोग कोई भी थोड़ा सा मैटर को लिख कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, ये साइज के आधार पर हो गए, और ये डेटा को लेने के आधार पर हो गए, और ये उपयोग के आधार पर यानी उद्देश्य के आधार पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बेस्ट एंड पर्पज में दो तरह के, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज कोई भी यूज कर सकता है, स्पेशल पर्पज किसी विशेष कार्य के लिए यूज करेंगे। डेटा लेने के लिए आधार पर तीन तरह का है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग क्या है? डेटा को माप सकता है, गिन नहीं सकता है। डिजिटल जीरो और वन के फॉर्म में डेटा को लेता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा होता है जो दोनों तरह का कार्य करता है। इसके बाद साइज के आधार पर कंप्यूटर का है, सुपर कंप्यूटर जो इसकी साइज भी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसकी स्पीड भी बहुत बड़ी होती है, इसकी मेमोरी भी बहुत बड़ी होती है। इससे थोड़ा छोटा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी स्पीड क्या होती है? 10^-, यानी थोड़ा स्पीड इसका कम हो जाता है, और लेकिन यह बल्क मात्रा में डेटा को लेता है। ठीक है, इसके बाद है मिनी कंप्यूटर, या माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा ही छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें एक साथ 100 यूजर तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद सबसे छोटा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट और पीडीए। डेस्कटॉप जो हम सिस्टम को रखकर टैबलेट पर, डेस्क पर रखकर हम उसका प्रयोग करते हैं। लैपटॉप जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। पाम टॉप जो हथेली में आता है उसको पाम टॉप कहते हैं। इसके बाद टैबलेट जिसमें कीपैड नहीं पाया जाता है, टच स्क्रीन होता है। ठीक है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी एक प्रकार की डायरी होती है। ठीक है, तो ये रहा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार और उनका बैकग्राउंड कैसे किया गया है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, और इसी तरह के दूसरे भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। यदि आप वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।